संघर्ष ये वी हैव कम विद द संघर्ष विद वन ऑब्जेक्टिव जो है पोस्टल राइट बिल। और पोस्टल राइट बिल एक कानून लाइक वी हैव फॉरेस्ट राइट बिल विच प्रोटेक्ट्स द फॉरेस्ट पीपल विच प्रोटेक्ट्स द फॉरेस्ट राइट इन द सेम वे हम पोस्टल राइट बिल मांग कर रहे हैं सो दैट द कोस्टल कम्युनिटीज स्पेशली द फिशिंग कम्युनिटी उनका राइट उनका लैंड राइट उनका दरिया का राइट उनका दरिया को मछली मारने का राइट उनको सोशल सिक्योरिटी राइट कल्चरल राइट जॉब सिक्योरिटी राइट ये सब कानून हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। और ये कानून 2010 में जयराम रमेश ने वो लाया था एक ड्राफ्ट में बट अनफॉर्चुनेटली ये पास नहीं हुआ। इनफैक्ट वी ऑब्जेक्टेड इट बिकॉज इट वॉज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द फिशिंग कम्युनिटी। लेकिन अभी ये ड्राफ्ट ये बिल लाना ही है जितना जल्दी वो हमको ही अच्छा रहेगा। सो अब और ये हम क्यों मांग रहे हैं अभी भाई ने अगर माला प्रोग्राम टेन किया और सागरमाला प्रोग्राम में क्या उनका ऑब्जेक्टिव है कि 7500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन दैट इज 780 ऑफ महाराष्ट्र एंड 111 रिवर्स ऑफ इंडिया दैट इज 14500 किलोमीटर ऑफ रिवर नेशनलाइज करें और पोर्ट लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन करें जो जो इंडस्ट्री है पोर्ट को कनेक्ट करेंगे कोस्टल रोड लाएंगे डबल रेलवे लाइन लाएंगे मच्छी मार पाएंगे। ये तो ट्रेडिशन क्या 5 साल या 10 साल या 50 साल का नहीं है ये तो ट्रेडिशन है फॉर सेंचुरीज एंड इयर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टुगेदर। सो ये बचाने का काम हमको करना है और शायद मैं फुल क्रेडिट देता हूँ नेशनल फिश वर्कर्स फोरम को और MMKS को क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन था इसलिए आज हम जिंदा है।